Am I audible and visible to you? Am I audible? तो कल बच्चे पूरा आवर इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया था, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड. ओके, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं. एवरीथिंग इज ओके? सुफियान, यस सर. अब्दुल्ला, यस सर. एस एस आसिफ, ओके. चलो स्टार्ट करें. स्टार्ट क्लास स्टार्ट की जाए. बच्चे जल्दी जल्दी बताइए. अदीब मंसूर, मंसूरी, यस सर. चलो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन. चलिए जल्दी से बताएं बच्चे. पहला, सर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बचा है. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बचा है? नो, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज क्या, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने पढ़ा दिया ना बच्चे, वही समझ लो, वही हो गया. चलो चलो बाकी और देख लेंगे. अभी तो हम देख लेते हैं, जब तक क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में देख लिया जाएगा. चलिए जल्दी से बताएं फर्स्ट क्वेश्चन का, 30 सेकंड टाइम मिलेगा. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर, सिर्फ डी मत लिखा करें बच्चे, जो भी जवाब दे रहे हो क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन लिखें. क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन लिखें. शुएब वारसी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द ऑप्शन, इट्स रिक्वेस्ट. कलर आई एम यूजिंग, यस. क्या होगा आंसर? डी होगा बच्चे, ठीक है. अ पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर प्लस लाइफ, पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर प्लस लाइफ, पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर प्लस लाइफ, ऑल ऑफ दिस बायोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से. इन अ फूड चेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट. इन अ फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग पॉइंट. जल्दी से बताएं बच्चे, जवाब देते चले जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर देन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर देन ऑप्शन, जल्दी करें जल्दी जल्दी. 30 सेकंड जल्दी करें. इन अ फूड चेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग पॉइंट. जल्दी से, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा चुका है. इट इज, देखो याद करो, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स, ठीक. इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डी देन ए देन बी देन सी. दिस इज द फूड चेन, फूड चेन बच्चों. तो आंसर हो जाएगा दिस, बिल्कुल सही. नाउ कम टू द नेक्स्ट.
जल्दी जल्दी जवाब दें, फारिया वसीम। हाँ, मैंने ये आपको थ्योरी में पढ़ाया था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 R ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन एनवायरमेंट डू नॉट इंक्लूड, 3 R। रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, रीसाइकिल। जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, और बच्चे जल्दी जल्दी दो, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। हाँ, सुफियान ने जवाब दिया, जल्दी जल्दी बच्चे। आंसर हो जाएगा दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए बायोटिक एंड बायोटिक इकोसिस्टम, प्री बायोटिक एंड ए बायोटिक, प्री बायोटिक एंड ए बायोटिक। नो, यहां पर आप इसको कट करें, बायोटिक होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 D, 4 होगा बच्चे, डी होगा। आइए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेस विथ स्कैंट वाटर, मतलब स्कैंटी वाटर, दैट मीन्स, जल्दी से बताएं, तो ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोफाइट्स, दैट मीन्स अबंडेंट वाटर अवेलेबल, एपीफाइट्स प्लांट दैट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स। इसमें आप एक एग्जाम्पल ले लें, क्या बोलिएगा, एक एग्जाम्पल अगर बात कीजिए तो ऑर्किड्स, ऑर्किड्स और मेजोफाइट्स क्या हो जाएगा, एडेक्वेट या सफिशियंट, न कम न ज्यादा, सफिशियंट सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल है, ठीक। और ये जेरोफाइट, मतलब फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, मतलब पानी इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि जो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। स्कैंट मींस क्या हो गया, स्कैंट का मतलब हो गया लिटिल, लिटिल, अब्दुल्ला स्कैंट का मतलब लिटिल हो जाएगा। द कलर आई एम यूजिंग, इज इट विजिबल और नॉट, जल्दी जल्दी बताएं बच्चे, नेक्स्ट आइए, जल्दी करें, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी आंसर हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, बिल्कुल सही। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 11 एंट्रेंस। फूड चेन, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए क्या है, ग्रास को वीट खाएगा नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया यहां पर, ठीक। और आप बात करें गोट क्रो एलिफेंट, ये गलत हो गया, ये डायरेक्शन ग्रास वुड ग्रास, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दैट मीन्स योर आंसर इज दिस, क्लियर। दिस इज द टी वन, दिस इज द टी टू एंड दिस इज द टी थ्री, क्लियर है। आइए दैट मीन्स यहां पर हम बात करें ग्रास, फिर उसके बाद गोट और फिर हम बात करें ह्यूमन, तो ये हो गए T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, ये हो गया प्रोड्यूसर एंड दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर एंड इट इज हर्बीवोर्स, ठीक, एंड इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, क्या बोलिएगा, कार्निवोर्स, ओके। आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ग्रुप डू नॉट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल, ओनली बायोडिग्रेडेबल, ओनली बायोडिग्रेडेबल, जल्दी से बताइए, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, एट में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, एट में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताएं, एट में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, क्वेश्चन नंबर एट, एट एक मिनट, नो 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 सही है, नहीं नहीं एक ही ऑप्शन है, ग्रास फ्लावर, तो इसमें सारे के सारे क्या हैं, बायो डिग्रेडेबल, यहां पर बायो डिग्रे डेबल, यहां पर भी सारे के सारे क्या हैं, बायो डीग्रे डेबल, जल्दी जल्दी करो जल्दी, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन बायो डीग्रे डेबल, दिस इज नॉन बायो डीग्रे डेबल, योर आंसर इज बी, आंसर इज बी, नो 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 ओनली बी, लाइम जूस Only B answer. Okay, come. Choose the correct statement. जल्दी जल्दी बताएं. Choose the correct statement. Primary. Primary consumer are key link between producer and rest of the consumer. Producer convert chemical energy into light energy. ये बात बिल्कुल गलत हो गई. Available energy gradually decrease from higher tropic level to the lower tropic level. नहीं, ये भी गलत हो गया. तो decrease from lower to higher, इसका सही होगा. Food waves are rare natural ecosystem. No, ठीक है, food, यहां पर हमने आपको बताया था more
स्टेबल इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेव. क्लियर है? नाउ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9. तो ये यहां पर आप बोलेंगे क्या, लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी. क्लियर है? लाइट एनर्जी किस में बदलेगा? केमिकल एनर्जी में बदलेगा. तो आपका आंसर 9 का ए होगा बच्चे, ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. जल्दी जल्दी करें, फास्ट फास्ट. टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, 32 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स. वही चीज हो गया, इसको अब इस तरीके से हमने आपको बताया. देखो, ओनली बायोडिग्रेडेबल. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से करें बच्चे. वी हैव अ टोटल 32 क्वेश्चंस. तो यहां पर देखो, दिस इज, अभी आपने देखा, नॉन बायो डिग्रेडेबल, बाकी सब बायोडिग्रेडेबल है. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. डी मतलब सारे बायोडिग्रेडेबल है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एक्सेप्ट सेकंड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन. ये अभी हो गया. Which of the following are environmentally friendly practice? All of these. This. Which one of the following is an artificial ecosystem? Now come to the next. बाकी दो question repeat था, उसको हमने आगे बढ़ा दिया. जल्दी से, ये हमने question आपको कराया. Which one of the following is an artificial ecosystem? Artificial ecosystem. याद करो, artificial ecosystem में हमने बताया था कौन सा था? एक था एक्वेरियम, दूसरा गार्डन, एंड तीसरा, थर्ड वन, क्रॉप फील्ड. क्या बोलिएगा? क्रॉप फील्ड. तो योर आंसर फॉर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी. बाकी सारे क्या है? पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम, पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम, लेक नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम. क्लियर है? आइए, नाउ कम टू द नेक्स्ट. बिल्कुल सही. इन अ फूड चेन थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय. तो ये देखो, T1, T2, T3 एंड दिस इज T4. तो अब देखो, T1 प्रोड्यूसर, जब तक आप लोग जवाब दें, प्रोड्यूसर्स, एंड T2 प्राइमरी कंज्यूमर, डियर प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड दिस इज टर्शरी कंज्यूमर. ओके, टर्शरी कंज्यूमर. नाउ
तो प्राइमरी, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज हर्बी वोर्स एंड दिस टू क्या है कार्नी वोर्स। तो क्वेश्चन है थर्ड ट्रॉपिक लेबल, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आइए। एन इकोसिस्टम आपको पता है इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। तो आंसर क्या होगा बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, आंसर हो जाएगा सी। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। आइए जल्दी जल्दी करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करें बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 kJ, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर। तो अब यहां से आपको क्या देखना है, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3 एंड दिस इज T4 एंड दिस इज T5। क्लियर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कितना है 5 kJ, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना 5 kJ। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, फाइव इंटू 10/100 दैट मीन्स 0.5 kJ यहां पर होगा। तो फिर यहां पर आप क्या बोलेंगे बताइए, यहां पर 50 kJ, यहां पर आप क्या बोलेंगे 500 kJ, और यहां पर क्या बोलेंगे आप 5000 kJ। क्यों, क्योंकि आपको पता है 10% लिंडमैन्स लॉ, दैट इज ओनली 10% अवेलेबल फूड या एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। क्लियर है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ओके जल्दी से क्वेश्चन नंबर, आंसर बिल्कुल सही सुफियान ने दिया है डी और नसीम अब्दुल्ला ने दिया है डी। ओके आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट, जल्दी करें बच्चे जल्दी।
accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each tropic level is known as biomagnification. ये आपको पता होना चाहिए. This is called natural aging of lake. Natural aging of lake बोलेंगे. Now question number 18. Depletion of ozone is mainly because of depletion of mainly because of that is chlorofluorocarbon. बिल्कुल सही, chlorofluorocarbon compound. ठीक, ये क्या रिलीज करता है? क्लोराइड. और इसके प्रेजेंस में O3 आपका ब्रेक हो जाता है O2 प्लस O में. क्लियर है? आइए नाउ नेक्स्ट. ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड, आर कॉल्ड. अगर आप डिकम्पोजर में बात करें तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से एनर्जी ऑब्टेन करेगा. ठीक, और ये आपका आंसर जो है ये मतलब बाय फोटोसिंथेसिस. क्या बोलेंगे बच्चे? बाय फोटोसिंथेसिस. क्लियर? नाउ हर्बीवोर्स. अब यहां पर एक पॉइंट हम लिख देते हैं, ये देखिएगा. ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इन डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स. ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर. तो डायरेक्टली आप बोलेंगे दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स. क्या बोलिएगा? हर्बीवोर्स. इनडायरेक्टली आप बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स. ठीक है, तो आपका आंसर है प्रोड्यूसर. क्लियर है? हाँ. अब यहां पर रेडिएंट एनर्जी बोला ना बच्चे, तो याद रखिएगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, दैट इज पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. क्लियर? आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट. सेकुलर, सेकुलर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट्स योर नेम? सेकुलर सर. क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे यार? नेट सही करो अपना, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है. रिफ्रेश कर लिया करें, कभी ऐसा हो तो बच्चे रिफ्रेश कर लिया करो. वीडियो बफर. नाउ ओके, नाउ ओके. नाउ ओके. Question is not visible. Is it?
अब दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी बोलो। सही क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 बताएं। 20, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो आपको यहां पे याद रखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। क्या बोलिएगा? केमिकल। नाउ ऑल्सो फ्रीज। सर लैग कर रहा है। माय डियर, इट्स नॉट फ्रॉम माय साइड, योर साइड। यहां से सब क्लियर है, यहां तो एकदम साफ साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेट देखो, नेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉफिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू लोअर ट्रॉफिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर हो जाएगा, फूड ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belonging to a lower tropic level constitute, question number 21, जल्दी से बताएं बच्चे, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? जल्दी 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 जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 फूड वेव होगा। हमने आपको बताया, इट इज इंटरलॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, इंटरलॉकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, दैट इज इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में कौन आ जाएगा? नंबर बायो मास एनर्जी, नंबर बायो मास एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक। नाउ नेक्स्ट, आप बात करें फूड वेव चेन के बारे में, ईट एंड ईटन बाय
प्रोसेस, ईट एंड ईटन बाय प्रोसेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड 20. फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. क्या बोलिएगा? एक्सप्लेन्ड बाय 10% लिंडमैन्स लॉ. मतलब फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज इन एनर्जी दैट इज ओनली 10% ऑफ अवेलेबल एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्लियर, याद रखिएगा. तो एक बात यहां पर यह चीज याद रखिएगा जो आपसे सवाल बन सकता है बच्चे, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, अपराइट ऑलवेज अपराइट. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सर आप पे कुछ नहीं है, ऐप पे कुछ नहीं है सर, बैच कोड बताइए, बता दीजिए. ओके बता देंगे. आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, जो बच्चे ऐप मेडिको मेंटर क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर ऐप जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं वो एक मैसेज मुझे कर दें, टाइप कर दें चैट में कि आई एम फ्रॉम क्लास 11 प्लीज ऐड मी, तो मैं उनको ऐड कर लूंगा. ओके. एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू द अल्ट्रा वायलेट रेज रिजल्ट इन डैमेज ऑफ, याद कीजिए डैमेज ऑफ स्किन कैंसर एंड एंड एंड. तो सेकंड कहां कहां आपको दिख रहा है, सेकंड कहां? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, एंड फर्स्ट डैमेज द इम्यून सिस्टम, आंसर हो जाएगा सी. नाउ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. बस 32 क्वेश्चन, टोटल 32 क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी जल्दी कर लें. हाँ बिल्कुल सही. इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप्स कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो दिस इज ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल. अच्छा इट इज बायोडिग्रेडेबल, सॉरी. ये क्या होगा बच्चे? ये बायो डिग्रेडेबल. और हम बात करें प्लास्टिक, देखो ये पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल, लेकिन अगर बात करें पॉलीथीन, ये डिटर्जेंट एंड पी, ये नॉन बायो डिग्रेडेबल. ओके लेकिन ये क्या हो गया? बायो डिग्रेडेबल. क्लियर. आंसर तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेकंड एंड फोर, सेकंड एंड फोर ये नॉन बायो
डिग्रेडेबल. क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 24 का आंसर डी हो जाएगा. इम्यूनिटी भी वीक करता है वहां पर, जो आपने देखा था. आइए क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से आ जाए बच्चे. विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेबल इन फूड चेन. लिमिट्स द ट्रॉपिक लेबल इन फूड चेन. हाँ, तो हमने बताया था आंसर क्या हो जाएगा. डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल 10%. लेंडमैन्स लॉ. ठीक, आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाइटोप्लैंक्टन. बिल्कुल सही. ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड गलत. फ्रॉम इनऑर्गेनिक. क्या बोलिएगा? इनऑर्गेनिक. नाउ प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ओन फूड. बिल्कुल सही है. प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल. योर आंसर इज दिस. इनकरेक्ट पूछा. आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट. विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन. जल्दी से देखिए. ग्रास, यहां पर लाइन का पोजीशन गलत है. लाइन का पोजीशन यहां होना चाहिए था. तो जहां फर्स्ट ऑप्शन है वो तो यही ऐसे गलत हो गया. ये और ये ऐसे गलत हो गया. प्लैंकटॉन्स मैन फिश. बिल्कुल गलत हो गया. यहां पर होना चाहिए था इसको यहां पर, इसको यहां पर. तो ये भी गलत हो गया. सेकंड जहां पर है वो गलत कर दो आप. तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया. ठीक है. अच्छा, नॉट कह रहा है. नॉट कह रहा है. नॉट 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 कह रहा है. नॉट. ओके, नॉट कह रहा है. वॉल्फ ग्रास स्नेक टाइगर. तो ये भी गलत हो गया. ये भी गलत हो गया. ये भी गलत हो गया. Which group of organism are not constituents of a food chain? अच्छा, ये कैसे? Frog, snake, eagle, grass and grasshopper. Okay, okay. Question सही से आप बताएं बच्चे. आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर. क्या होगा आंसर? 25. क्वेश्चन नंबर 25. जल्दी से करें. जल्दी जल्दी करें. जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 25. 27. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पे. तो यहां पर ऐसे करें हम. ग्रास, लायन, सॉरी रैबिट, वॉल्फ, लायन. ठीक. अब यहां पर देखें हम. प्लैंकटॉन, फिर ग्रासहॉपर, फिर उसको फिश बात करें, फिर बात करें मैन. तो ये गलत. क्या है ये? गलत है. फाइटोप्लैंकटन के बाद जू प्लैंकटॉन होना चाहिए था. जू प्लैंकटॉन्स. ठीक. हाँ, अब यहां पर आप ये कर सकते हैं. ग्रास कर सकते हैं. ग्रास, स्नेक अभी हम काट देंगे, फिर वॉल्फ, फिर उसके बाद टाइगर. तो ये भी गलत हो गया. ठीक, ये भी गलत. हाँ, यहां पर आप ग्रास कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ग्रास हॉपर कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्नेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद
फ्रॉग आप कर सकते हैं. नो नो ऑल रॉन्ग नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे देखिए. फिर उसके बाद आप ईगल, ठीक है. मतलब ये और ये, मतलब ये यहां पर कह रहा है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन. नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट बोला, फूड चेन का कौन पार्ट नहीं हो सकता, मतलब इन सबको मिलाकर हम फूड चेन नहीं बना सकते. तो फाइटोप्लैंकटन यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था जू प्लैंकटॉन्स, जू प्लैंकटॉन्स होना चाहिए था. यहां पर स्नेक नहीं होना चाहिए था, स्नेक नहीं होना चाहिए था. यहां पर डियर होना चाहिए था, क्या डियर होना चाहिए था. क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, योर आंसर इज से. मतलब इन सब ग्रुप को मिलाकर हम फूड चेन बना सकते हैं, फूड चेन. ओके, योर आंसर इज सी. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज 1%. क्या 1%? नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट विल हैपन इफ द डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवेन बिलो. अगर ये डियर मिस करेगा तो इनका नंबर बढ़ जाएगा और इनका नंबर घट जाएगा. द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इनक्रीज. बिल्कुल सही. आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट. नो नो, डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम क्या है, ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में बदलता है. क्या करता है? सिंपल इनऑर्गेनिक में. कन्वर्ट इनऑर्गेनिक, नो. कन्वर्ट ऑर्गेनिक इंटू इनऑर्गेनिक, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इंटू ऑर्गेनिक, डू नॉट ब्रेक. तो आंसर होगा बी, डिकम्पोजर मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई. क्लियर? आइए नाउ कम टू द नेक्स्ट. If a grasshopper is eaten by frog, then the energy transfer will be from. तो देखिए, जैसे grass, now grasshopper, then